यहाँ पर 7 बच्चे जहाँ पर हो गए और इसी हॉस्पिटल से उन्हें एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं की गई और कहा गया कि एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं है, तो इतनी बजट आती है तो ये कहाँ चली जाती है। देखिए, मैं सबसे पहले तो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को कहूंगी अजरा पेचुओ को कि डूब मरो। जो असेंबली में बैठ के इंग्लिश में तकरीरें करती हूँ, ये 7 बच्चे तुमने मारे हैं हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, ये तुमने मारे हैं, ये पापी पार्टी ने मारी है, पीपल्स पार्टी नहीं, पापी पार्टी ने इन बच्चों का खून किया है। उन बच्चों के लिए एम्बुलेंस नहीं, पेट्रोल नहीं, वो 3 करोड़ रुपए, वो अरबों खरबों रुपए कहाँ गए, किसके पेट में गए? जरदारी के अकाउंट में, ठेले वाले के अकाउंट में, टैक्सी वाले के अकाउंट में, तुम लोगों के अकाउंट में? शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए इन बच्चों के लिए। और उसके बाद उन बच्चों को, उन 7 लाशों को, जिसमें से शर्म तो करो, उनके नाम क्या थे? बेनजीर, इसकी तो लाज रख लेते हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, पीपल्स पार्टी, सीएम, उनकी तो लाज रख लेते बेनजीर के नाम की। शर्म से डूब मरो तुम लोग। मुझे अफसोस होता है कि आप लोगों को किसने असेंबली में मिनिस्टर बनाया है, मेंबर बनाया है। आप लोग तो काउंसलर के भी लायक नहीं हो। जो आप लोगों ने निजाम किया हुआ है इनका, काउंसलर के भी लायक नहीं हो। आप लोगों ने बेड़ा गरक कर दिया। उन बच्चों को कचरे की, मच्छी के कचरे की गाड़ी में 7 बच्चों को वापस लेकर गया, मजबूरन उन वालदेन ने खुद अपनी गाड़ी की और जिसमें मछली का कचरा लेकर जाते हैं उसमें उन 7 बच्चों को लिटा के कैसे लेकर गए? आप मीडिया वाले भी गवाह हैं, आप मीडिया वालों ने भी चलाया है, दिखाया है कि उन बच्चों को लेकर गया। उनके लिए एम्बुलेंस बोला, लाशों के लिए एम्बुलेंस, जो कहते पेट्रोल नहीं है भाई। वो आप अभी देखिए यहाँ पे कोई एम्बुलेंस अभी यहाँ पे खड़ी हुई है, एक एम्बुलेंस पता नहीं वो कौन सी है जिसके अंदर पेट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले कहते डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, 12 बजे कहते नमाज पढ़ने गए। ये इनकी तो हर वक्त शायद नमाजें होती है सिंध गवर्नमेंट की। अच्छा, यहाँ पर अक्सर सांप की बचाव की वैक्सीन और कुत्ते के काटने के बाद बचाव की वैक्सीन की भी कंप्लेन आती रहती है, कई बच्चे इसमें जांबहक भी हो चुके हैं। इस हवाले से पीटीआई का क्या रद्दमल होगा और सिंध गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, इस पूरे सिंध पे जो है पीपल्स पार्टी के कुत्तों का राज है और इंशाल्लाह हम इन कुत्तों से जान छुड़ाएंगे, इस सिंध की जान छुड़ाएंगे, इन सिंध पीपल्स पार्टी के कुत्तों से जान छुड़ाएंगे, जिन्होंने बच्चों को खा लिया, जिन्होंने लड़काना को खा लिया, जिन्होंने पूरे सिंध को खा लिया, इन कुत्तों से हम जान छुड़ाएंगे। और इंशाल्लाह यहाँ पे किसी चीज की, सांप की, कुत्ते की, किसी भी चीज की, मैं कह रही हूँ एक पेनाडोल नहीं है, एक पेनाडोल हॉस्पिटल में नहीं मिलती। उन वालदेन से पूछे अभी भी जो साथ है हमारे, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी, पीटीआई उनके सबके साथ, इनके साथ खड़ी हुई है, वालदेन के साथ, और इनके हर, हम इनका ये काला मकरू चेहरा है जो हम इनका दिखाते रहेंगे। और ये जो तकरीरें बैठ के करते हैं ना, ये असल चेहरा है, ये असल है जो इन्होंने काम किया है, ये काम है इनका। बड़ी मेहरबानी।